सैम की जुबा से युवराज की मन की बात। सिख दंगों पर कांग्रेस सिर्फ घरियाली आंसू बहाती है। दंगा करवाने वाले नेताओं को सीएम तक बनाती है। अब क्या है 84 का, बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में उसकी बात करिए, 84 में हुआ तो हुआ। याद कीजिए 1984 की उन मनहूस दिनों को। देश के कई शहरों में सिखों के साथ कत्लेआम हुआ। कोई अपने पिता से बिछड़ा तो किसी ने अपने भाई को खोया। किसी की दुकानों में आग लगा दी गई तो किसी को अपंग बना दिया गया। हालांकि कांग्रेस के युवराज के गुरु सैम कहते हैं कि 84 में हुआ तो हुआ। अब क्या है 84 का, बात तो करिए, आपने क्या किया 5 साल में उसकी बात करिए, 84 में हुआ तो हुआ। यानी कि आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस हो या पार्टी के युवराज, किसी को भी इस घटना का दुख नहीं है। और हो भी क्यों, जब उनके पिता खुद कहते हुए नजर आए कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। इस तरह के विचार रखने वाली कांग्रेस ने हद तो तब कर दी जब इस घटना को अंजाम देने वालों को बड़े बड़े औहदों से नवाजा गया। किसी को केंद्रीय मंत्री तो किसी को सीएम तक बना दिया गया। उस पर पार्टी के कुछ सिख नेता घरियाली आंसू भी बहाते हैं, जैसे पंजाब के सीएम बहा रहे हैं सिर्फ वोट पाने के लिए। You know, there was a lot of conjecture even today when we speak about Kamal Nath, the Madhya Pradesh Chief Minister. There was so much that came at Gurdwara Rakabganj, where he was there. Witnesses say he was there. No, it is not. And mobilizing the mobs allegedly. I was there. And I'll tell you who are the 5 people who were involved in it. And I've named them umpteens of times. Arjun Das was involved in it. Lalit Makin was involved in it. Then there was a chap called, what was his name? Some minister who was there. Like that, there were 5 names there, and I've said so umpteens of times. Huh? Sajjan Kumar. Sajjan Kumar was very much in it, and 2 more, some minister and one more. Who? Bhagat and 1 more. लेकिन शायद कांग्रेस को ये पता नहीं कि सिख समुदाय अपने ऊपर हुए इस हमले को कभी भी नहीं भूल सकता है, और ना ही कभी कांग्रेस को माफ कर सकता है।